वेलकम बैक। बात हो रही थी पीडीएम इत्तेहाद की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तब्दीली लाना चाहती है इन हाउस, और वो दावा कर रहे हैं कि पीटीआई के कुछ एमपीएस हमारे पास मौजूद हैं, वो हमारे साथ मिलने को तैयार हैं। किस तरह मुमकिन होगा, चूँकि नंबर गेम्स की बात करें और अगर हम अदाद व शुमार के हवाले से बात करें तो नंबर्स पाकिस्तान पार्टी के पास पूरे नहीं हैं, लेकिन जोड़ तोड़ के हवाले से जरदारी साहब को हमने सेनेट में भी देखा कि वो चूँकि हॉर्स ट्रेडिंग वाली मामला हो या दूसरे इश्यूज हों, इस पे इनको कमांड हासिल है और ये करते हैं, इस तरह के जोड़ तोड़ में एक्सपर्ट हैं। क्या पंजाब में भी ऐसा कोई जोड़ तोड़ हो रहा है, और अगर होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाले से उनकी क्या हिकमत अमली है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है असलम खान साहब ने, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, MNA हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा दावा कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि ईद पे पंजाब से हम आपको तोहफा देंगे, और वो तोहफा होगा उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का। किस तरह देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की स्टेटमेंट को? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये PDM किधर है? PDM कौन सा? PDM कहाँ का? PDM एक ख्वाब था जो खत्म हो गया है। अब तो PDM रही नहीं, ना PDM है ना PDM का वजूद है। ये तो मेरे ख्याल में PDM की बात करनी बेकार है, कोई फायदा नहीं तो है नहीं इसका। और जहाँ तक आपने बात की कि जी किस तरह देखते हैं और क्या होगा इसका, इसका कुछ भी नहीं होगा। और जो बात कह रहे कि जी पंजाब के साथ जो करेंगे ये लोग, वो करके देख ले मालूम हो जाएगा उनको। वो तो कर रहे हैं, उस पर कर भी रहे हैं। आप कह रहे हैं PDM तो इस पर कुछ अग्नि कहे नजर नहीं आ रही, वो आपस में उलझे हुए हैं। लेकिन सेनेट इंतखाबात में हमने देखा कि PDM ने बड़ा टफ टाइम दिया आपको, और गिलानी साहब जो इस्लामाबाद की सीट जीते थे आपके सामने है, उसके बाद क्या हुआ वो सूरत हाल भी आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। तीसरी दफ़ा आपको अपना मैन जो कैबिनेट में ओहदा है वज़ीर ख़ज़ाना का, उसको उस कलमदान को तब्दील करना पड़ा। आप डिलीवर करना शुरू कर दें, PDM या बाकी जो जमातें हैं वो वैसे ही बहुत दूर चली जाएंगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है, इंसान को चाहिए हमेशा सच की बात करे, झूठ नहीं बोले, जो है उसकी बात करें। आपने कहा कि महंगाई है, हम कहते हैं, हम गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, हम कहते हैं वाकई महंगाई जी, तो कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है कि इसमें महंगाई है, बेचारा गरीब मर गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें ये भी जरूर समझें कि इसकी वजह क्या थी और इसकी महंगाई हुई क्यों है, क्या वजह थी। देखिये जो मईशत ये छोड़ के गए, जो हालात ये बना के गए, उसमें ये चीजें आती हैं, आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम मानते हैं। और हमारे वजीर आजम साहब ने भी कोरोना से पहले तो ये कहा था कि अब हमारा जो मेन टारगेट वो ये है कि हम इस महंगाई को कम करें। और आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, हमारी नीयतें अच्छी हैं, हमारे इरादे अच्छे हैं, और हम इंशाल्लाह ताला इस महंगाई को कम करेंगे, इंशाल्लाह ताला जरूर कम करेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे कि नहीं जी कहाँ महंगाई है, किसने कहा महंगाई, महंगाई हर दौर में रहती है, हमारी दौर में भी है, इसमें कोई शक नहीं है, मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इसको जरूर कंट्रोल करेंगे। और जो आपने PDM की बात की थी कि PDM ने टफ टाइम दिया, असल में PDM ने टफ टाइम नहीं दिया, नोटों ने टफ टाइम दिया। ठीक, आप समझ ले मेरी बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नोटों ने टफ टाइम दिया, जहाँ पैसा बिकता है। देखे ना ये हुकूमत में क्यों आते थे, ये इसलिए आते थे कि ये पैसे खर्च करके हुकूमत में आते थे, और उसका 100 गुना नहीं, 1000 गुना, जी 1000 गुना ये कमा के जाते हैं और वही खर्च करते हैं। इनका तो सिलसिला रहा यही हमेशा। सही, लेकिन PDM इस पे असलम खान साहब, PDM ये दावा कर रही है कि हमारे दबाव की वजह से आपको वजीर खजाना हटाना पड़ा, हमारे दबाव की वजह से अब जुमेरात तक जो आपकी वफाकी काबीना में तब्दीलियां होने जा रही हैं वो हमारा दबाव है, ये दावा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब और PDM। सर जी देखिए जी, ये दावा कुछ भी करते रहे, इसका कोई फायदा नहीं है। सही, कप्तान जब एक इनिंग को लेकर चल रहा होता है, एक मैच खेल रहा होता है, एक चीजों को देख रहा होता है ना, तो वो जब चाहे चीजें कर सकता है चेंज। जब वो देख रहा है कि एक तरफ से सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही, तो डेफिनेटली उसको चेंज तो करना है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें सुरखुरू करेगा, हमारे वजीर आजम को सुरखुरू करेगा। तो इस क्या वजह क्या बनी है? देखें खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैं बड़े अच्छी टीम सेलेक्ट करता हूँ, चुन के सेलेक्ट करता हूँ, और खान साहब ने कहा था
बहुत अच्छा हुआ 2013 में मुझे वफाक नहीं मिला, केपी में हुकूमत मिली और मुझे तजर्बा हो गया कि हुकूमतें चलती कैसे हैं। 2018 में आपको वफाक मिला और अब 3 साल गुजर गए हैं, 3 साल में भी अभी आप सीख रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, 2 साल रह गए हैं आपके पास, कैसे डिलीवर करेंगे और कैसे आवाम तक इसके सम्राट पहुँचाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, हम भी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नया हूं इस सियासत में। अब जब हम जाके इस्लामाबाद बैठते हैं और सूरत हाल को देखते हैं, उसमें ये चीज़ें नज़र आती हैं सामने। देखिए, एक सूबे को चलाना और एक मुल्क को चलाना दोनों अलग अलग चीज़ें। जो हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो करप्शन है, किसी हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है, मैं तो ये सूबे के लिए भी कहता हूँ और वफाक में भी कहता हूँ, जो नीचे लोग बैठे हैं सारे के, जो बैरोक्रेसी बैठी है, वो जो उनके जो पुराने लोग बैठे थे ना, जिनको उन्होंने एज ए कमिश्नर हायर किया था, कमिश्नर लगाया था, या जिसको उन्होंने 17 ग्रेड में रखा था, आज वो 20 ग्रेड में किसी किस ग्रेड में मौजूद है। आप मुझे बताएं, ये कैसे सुनेंगे, ये कैसे मानेंगे? और एक एक ऐसा तो नहीं हो सकता ना खान साहब सबको निकाल के बाहर खड़ा कर दें। अगर सबको निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? इन्हीं में रह के, इन्हीं चोरों बदमाशों में रह के सिस्टम को चलाना पड़ेगा। चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। चले इसमें ठीक है। असलम खान साहब, आप खुद कराची से हैं और आप कराची ने आपको वोट दिया, कराची के अवाम अभी भी वफाक की तरफ देख रहे हैं, एम क्यूम की तो बात ही नहीं कर रहे, वो आपकी इतिहादी ज़रूर है, एम क्यूम से भी हट कर चुके। कराची ने हमेशा 2013 में आपको 8.5 लाख वोट दिए थे, जब कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त इतने वोट पड़े थे। 2018 में आपको 14 और 26 MNAs MPS दिए हैं, 14 MNA दिए हैं, उसके बावजूद कराची डिवेलप होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, वफाक की तरजीहत में शामिल नहीं है, डिले क्यों है, सिंध हुकूमत कोऑपरेट नहीं कर रही, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? कॉपरेट नहीं कर रही, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही है, और जहां तक वफाक की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, हमने कराची के तमाम तमाम लोगों के, आवाम का, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया, इसमें कोई शक नहीं है। सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ हमारे आवाम को जो कराची में रहते हैं, जिन्होंने इमरान खान के लिए चेंज दिया, चेंज लेकर आए। और आप यकीन करें, जो इस वक्त हम MNA फंड से काम कर रहे हैं, ये फंड में इतने काम हो रहे हैं कि आपको 2 साल के बाद नजर आएगा कि किस इलाके में क्या हुआ। अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करूं ना, आप कभी प्रोग्राम रखें मेरे हलके में, आप आइए, मैं आपको दिखाता हूं, लोग परेशान हो जाएंगे कि इतना काम हो चुका है। और अगले इंशाल्लाह 2 साल, असलम खान साहब, हम आपके हल्के को भी जानते हैं, वहीं से जो ये बस लाइन गुजर रही है, अभी तक पेंडिंग है, काम कम्प्लीट नहीं हो रहे, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है, जो सदर की तरफ, आइए चुंदरीगढ़ रोड की तरफ ट्रैवल करते हैं, बहुत परेशानी है। आप भी समझते हैं, आपके वोटर्स हैं कराची के अवाम में, तो ये जल्दी काम शुरू हो, चूँकि ये वफाक के अंडर है ये प्रोजेक्ट्स, ताकि अवाम को एक तो आसानी से ट्रांसपोर्ट भी मिले, दूसरा ये है कि ट्रैफिक जैम से भी बचें। मैं आपको कल की अपडेट बताता हूँ, मैं इस्लामाबाद में था, हमारी असेंबली थी, कल मेरी एक जगह बात हुई है डिपार्टमेंट के अंदर, और ये पता चला है कि जो बसेस है ना, उसके ऑर्डर्स हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन उस बसों का मसला ये है कि उस बस में से पहले एक बस ने आना है इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर, और जब वो उसकी टेस्टिंग हो चुकी होगी, वो बस एक सैंपल जो है जब वो अप्रूव हो चुका हो गया हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे जो बाकी बसेस हैं उसका ऑर्डर जाएगा, जिसमें 3 से 4 महीने 5 महीने और लगेंगे। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला हम सितंबर अक्टूबर में हम देख रहे हैं इस बार के हमारे पास की जो ग्रीन लाइन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा असलम खान साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ये वो प्रोजेक्ट से जो पिछली हुकूमतों ने शुरू किए थे, नून लीग के दौर में थे, उसको आपने कंटिन्यू किया, अच्छी बात है। कराची के लिए इंडिविजुअली वफाक की तरफ से क्या मेगा प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, कोई खुशखबरी सुना रहे हैं? 3 साल तो गुजर गए। देखिए, जो 1.1 ट्रिलियन अरब का जो पैकेज दिया है, 1100 अरब का जी जो कहा गया, उस पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन वो भी देखिए उसमें भी 700 अरब जो है वो सिंध के हैं। देखिए, वो सिंध के हैं या वो वफाक के हैं, बात ये कि हम चाहते हैं कि कराची के लिए काम हो, बिल्कुल काम करे, होना भी चाहिए, पीपुल्स पार्टी करे, देखें चाहे वो पीपुल्स पार्टी करे, चाहे वो MQM करे, चाहे वो, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी काम भी तो नहीं कर रही ना, मसला ये है वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे 18 तरमीम के बाद हम बॉन्ड है, इस वक्त हम फंसे हुए हैं कि 18 अमेंडमेंट पूरी होगी, उसके वो खत्म होगी तो हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हमारा कुछ करने नहीं जरूरी है, ठीक है, रुकावटें डाल दी है। इवन की जो हमारे NOCs वगैरह होते हैं, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, उसमें भी ये आ रहे आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं कराची के, जो चीफ सेक्रेटरी साहब सिंध के पूरे,
चीफ सेक्रेटरी साहब ने रोके हुए हैं, उस पर अगर वो साइन करेंगे तो ही वफाक काम शुरू कर सकेगा। इसमें कोई शक नहीं कि सिंध हुकूमत आप रिकावटें डाल रही है, लेकिन आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए दोनों जमातों की, ताकि ओवरऑल फ़ायदा तो कराची के अवाम का, सिंध के अवाम का है, तो इसको इस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करें। असलम खान साहब, नहीं नहीं, लेकिन ये सिंध के लिए चाहते नहीं, ये कराची के लिए चाहते नहीं ना, इन्होंने तो बदला लेना है ना, इनको वोट मिलता है और ना ये काम करना चाहते हैं, ये इशू है असल। बहुत शुक्रिया असलम खान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेक्निकली तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे रही है, और उसकी वजह यह है कि जब तमाम प्रोजेक्ट्स फाइनल होकर, इसमें मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल नहीं है, छोटे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो जब चीफ सेक्रेटरी की के पास जाते हैं मंजूरी के लिए, तो 300 के लगभग ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे परमिशन ज़रूरी है चीफ सेक्रेटरी सिंध की, और वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं, वो उन पर साइन नहीं कर रहे। जब तक वो साइन नहीं करेंगे, अप्रूवल नहीं देंगे, तो वफाक उस पर काम शुरू नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि दोनों बड़ी सियासी जमातें नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं, और सूबा उनकी तरजीहात में शामिल नहीं, कराची उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। अगर तरजीहात में शामिल होता तो ये इस तरह की जो समरीज हैं उनको रोका ना जाता, बल्कि उनको तरजीह बुनियादों पे साइन करके आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता, ताकि काम शुरू हो सके, कराची में डेवलपमेंट हो, सिंध में डेवलपमेंट हो। चूँकि कराची चलता है तो मुल्क चलता है, कराची डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट कराची की होगी तो सूबे की डेवलपमेंट होगी। तरजीहात तय करनी होगी, और इस पर वज़ीर आज़म साहब को भी नोटिस लेना होगा। सी एम सिंध मुराद अली शाह साहब कराची के लिए बहुत अच्छा काम करते रहे माजी में, उनको भी अपनी तरजीहात कराची के हवाले से नए सिरे से तय करनी होगी। नाज़रीन, यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।